सकते हैं डायल 112 की टीम जो है हॉस्पिटल में पहुंची है, घायलों को जो है लेकर पहुंची है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सीडेंट हुआ है जिसके बाद घायल जो है आप देख सकते हैं इस समय डायल 112 की टीम जो है घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में लेकर पहुंची है। बताना चाहेंगे कैसे हादसा हुआ, कोई बता रहे हैं पशु आगे आ गया? हाँ जी, पशु खड़े थे वहाँ पे सड़क के ऊपर, तो पशु आ गए ना मोटरसाइकिल बाइक के आगे, तो एकदम से बाइक टकराई, ये नीचे पड़ गए सड़क पे, इनके सिर लगे दोनों, काफी घायल हुए, काफी घायल, बहुत ज्यादा घायल। करनाल में बेसहारा पशु लगातार सड़कों पर घूमते हैं जिसके चलते बहुत से हादसे होते हैं। बहुत सी गौशालाएं खुली हुई हैं, बहुत सी नंदीशालाएं खुली हुई हैं, लेकिन इस तरह से करनाल में आप देख सकते हैं शाम होते ही बहुत से बेसहारा पशु आप देख सकते हैं सड़कों पर घूमते हुए मिल जाएंगे और अचानक जो है सामने आ जाते हैं जिसके चलते बहुत से हादसे पेश आते हैं। अभी कुछ ही देर पहले करनाल के ब्रह्मानंद चौक पर बाइक सवार दो लोग जो है ऐसे ही एक बेसहारा पशु के सामने आ गए और गिरकर जो है बुरी तरह से चोटी लोग हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो करनाल के सेक्टर 12 की तस्वीर है, ये लाइव तस्वीर इस समय देख सकते हैं। एक बेसहारा पशु आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, एक मैं सामने दिखाना चाहूंगा, दोनों सड़कों पर इस समय आप देख सकते हैं बहुत से बेसहारा पशु आप देख सकते हैं वो सड़कों पर होते हैं करनाल में। करनाल को कैसे हम स्मार्ट सिटी बना पाएंगे, ये तस्वीर आप देख सकते हैं सेक्टर 12 बिल्कुल डीसी ऑफिस के सामने की ये तस्वीर है। कैसे हादसे ना हो, एकदम पशु सामने आ जाते हैं, चाहे वो बाइक चालक हो, गाड़ी चालक हो। और अभी इसी तरह से ब्रह्मानंद चौक के पास जो है बाइक सवार जो दो लोग थे उनके सामने अचानक नंदी महाराज आ गए और वो दोनों बाइक सवार युवक गिरकर बुरी तरह से चोटिल हो गए। ये देखिए कैसे हादसा होते होते बचता है, क्योंकि बीच रोड पर नंदी जी और गाय आप देख सकते हैं जो बेसहारा है वो सड़कों पर घूम रही है। करनाल के सेक्टर 12 से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, कोई भी हादसा हो सकता है। दोनों तरफ मेन रोड पर देखे जा सकते हैं करनाल में जगह जगह बेसहारा पशु। हालांकि पहले काफी कम संख्या थी लेकिन अब दोबारा से इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। बहुत सी गौशालाएं जरूर बनाई गई हैं, बहुत सी नंदीशालाएं बनाई गई हैं, लेकिन ना ही नगर निगम इस तरफ ध्यान देता है, ना कि ही कोई डिपार्टमेंट ध्यान देता है, जिसके चलते आप देख सकते हैं मेन चौक है, मेन चौक पर तीन इस समय आपको देख सकते हैं तीन नंदी इस समय सड़क के बीचों बीच आपको खड़े नजर आ जाएंगे। एम्बुलेंस निकल रही है, एक यहाँ पर, एक आगे चौक पर और एक इस तरफ। करनाल में इस तरह से बेसहारा जो पशु हैं उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। जरूरत है इन बेसहारा पशुओं को नंदीशालाओं में डालने की, गौशालाओं में ले जाने की, ताकि सड़क हादसे ना हो, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले ब्रह्मानंद चौक पर बाइक सवार दो युवक जो है जिनके सामने अचानक नंदी आ गए, गाय आ गई, जिसके चलते वो गिरकर चोटिल हो गए और बुरी तरह से सिर पर उनके चोट लगी है। हमारी आप लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिट्टा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तस्वीरें समय आप देख सकते हैं डायल 112 की टीम जो है हॉस्पिटल में पहुंची है, घायलों को जो है लेकर पहुंची है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सीडेंट हुआ है जिसके बाद घायल जो है आप देख सकते हैं इस समय डायल 112 की टीम जो है घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में लेकर पहुंची है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कहां पर एक्सीडेंट हुआ है, हालांकि ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि डायल 112 की टीम करनाल के ट्रामा सेंटर में इस समय जो घायल हुए हैं उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में लेकर पहुंची है। काफी ज्यादा हालत खराब है, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा हालत खराब है और इस समय इलाज के लिए उनको सरकारी हॉस्पिटल में इस समय आप देख सकते हैं डायल 112 की जो टीम है, एक स्ट्रेचर और जाइए भैया, एक स्ट्रेचर। तो इस समय आप देख सकते हैं डायल 112 की जो टीम है, जैसे ही पता चला कि एक्सीडेंट हो गया, घायलों को तुरंत अपनी गाड़ी में आप देख सकते हैं लेकर पहुंची है। एम्बुलेंस तक का इंतजार नहीं किया, जो घायल हो गए दोनों को उनको जो है इलाज के लिए आप देख सकते हैं इस समय ट्रामा सेंटर करनाल में लेकर पहुंची है डायल 112 की टीम। देख सकते हैं बहुत से हादसे हो रहे हैं पशुओं के कारण, सड़कों पर बैठे पशुओं के कारण बहुत से हादसे हो रहे हैं। बाइक सवार सड़क पर बैठे पशु अचानक सामने आ जाते हैं, बता रहे हैं कि कोई नंदी था जो सामने आ गया, जिसके चलते बाइक सवार दो लोग घायल हो जाते हैं। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। इस समय विजेंद्र सिंह जी क्या बताना चाहेंगे, कैसे हादसा हुआ, कोई बता रहे हैं पशु आगे आ गया? हाँ जी, पशु खड़े थे वहाँ पे सड़क के ऊपर, तो पशु आ गए ना मोटरसाइकिल बाइक के आगे, तो एकदम से बाइक टकराई, ये नीचे पड़ गए सड़क पे, इनके सिर लगे दोनों, काफी घायल हुए, काफी घायल, बहुत ज्यादा घायल। तो अपनी गाड़ी पे ले आए आप तुरंत? हाँ, अपनी गाड़ी पे लेके आए। मतलब पशु काफी थे वहाँ पर, पशु 5-6 पशु खड़े थे सड़क के, ब्रह्मानंद चौक की तरफ हुए, ब्रह्मानंद चौक के मतलब थोड़ा आगे। तो कोई इन्होंने भी नशा कर रखा है कुछ ऐसा? ना, ऐसी तो कोई बात नहीं, नशे वाले का बात, बाकी चेक करेंगे। हाँ, बाकी तो पशु एकदम अचानक आ गया होगा, आगे अचानक आए हैं जी,
और एकदम से टकराव हुआ इनका, नीचे जमीन पे नीचे गिर गए सड़क पे, इनके सर वगैरह काफी। तो आप देख सकते हैं ऐसे बहुत से हादसे पेश आ रहे हैं, बहुत से हादसे पेश आ रहे हैं। डायल 112 की टीम बाइक सवार दो घायलों को इस समय इलाज के लिए हॉस्पिटल में लेकर पहुंची है। अचानक पशु सामने आ गए, बता रहे हैं कि 4 से 5 पशु वहां पर थे और एक नंदी एकदम अचानक सामने आ गए। बाइक सवार दो लोगों के सिर पर गंभीर चोटें लगी हैं, मुंह पर चोटें लगी है, जिसके बाद आप देख सकते हैं डायल 112 की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई है, क्योंकि करनाल में अब दोबारा से इस तरह के जो पशु हैं जो सड़कों पर बेसहारा घूमते हैं उनके कारण बहुत से हादसे हो रहे हैं। और आज हादसा आप देख सकते हैं एक करनाल के ट्रामा सेंटर से, इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, बाइक सवार दो लोग जो हैं वो घायल हो जाते हैं, पशु अचानक जो है सामने आ जाता है, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। और इस समय उनके परिवार के जो लोग हैं वो भी इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं करनाल के ट्रामा सेंटर से। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, ब्रह्मानंद चौक के पास जो है ये हादसा हो जाता है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत से इस तरह के बेसहारा पशु रात को सड़कों पर आ जाते हैं, दिन में भी सड़कों पर रहते हैं और कभी भी किसी को टक्कर मार देते हैं। आप देख सकते हैं हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, वहीं नगर निगम को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। बहुत से ऐसे पशु सड़कों पर घूमते हैं रात के समय, जिसके चलते बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इस समय करनाल के बिल्कुल जिला सचिवालय के सामने आप सड़क पर देख सकते हैं, जहां पर 3 पशु जो है सड़कों के बीचों बीच में देखे जा सकते हैं।